भारत में होली का त्यौहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां और रंग भरता है। लोगों के जीवन को रंगीन बनाने की वजह से इसे आमतौर पर रंग महोत्सव कहा जाता है। ये लोगों के बीच एकता और प्यार लाता है। इसे प्यार का त्यौहार भी कहा जाता है। ये एक पारंपरिक और सांस्कृतिक हिंदू त्यौहार है जो प्राचीन समय से पुरानी पीढ़ियों द्वारा मनाया जाता रहा है और प्रत्येक वर्ष नई पीढ़ी द्वारा इसका अनुकरण किया जा रहा है। ये एक प्यार और रंगों का त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष हिंदू धर्म के लोगों द्वारा आनंद और उत्सव के साथ मनाया जाता है। ये मन को तरोताजा करने का त्यौहार है जो न केवल मन को तरोताजा करता है बल्कि रिश्तों को भी करता है। ये ऐसा त्यौहार है जिसे लोग अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ प्यार और स्नेह के साथ वितरित करके मनाते हैं जो उनके रिश्तों को और भी मजबूती प्रदान करता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जो लोगों को उनके पुराने बुरे व्यवहार को भुलाकर रिश्तों की एक डोर में बांधता है। इस दिन लोग लाल रंग और लाल गुलाल का प्रयोग करते हैं जो केवल लाल रंग नहीं है बल्कि एक दूसरे से प्यार और स्नेह का भी प्रतीक है। वास्तव में ये न केवल लोगों को बाहर से रंगता है बल्कि उनकी आत्मा को भी विभिन्न रंगों में रंग देता है। इसे साधारण त्यौहार कहना उचित नहीं है क्योंकि ये बिना रंगे व्यक्ति को रंग देता है। ये लोगों के व्यस्त जीवन की सामान्य दिनचर्या में एक अल्प विराम लाता है। ये भारतीय मूल के हिंदुओं द्वारा हर जगह मनाया जाता है हालांकि मुख्य रूप से भारत और नेपाल के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ये एक त्योहारी रस्म है जिसमें सब एक साथ होलिका के अलाव को जलाते हैं, गाना गाते हैं और नाचते हैं। इस मिथक के साथ कि सभी बुरी आदतें और बुरी शक्तियां होलिका के साथ जल गईं और नई ऊर्जा और अच्छी आदतों से अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। अगली सुबह उनके लिए बहुत खुशियां लेकर आती है जिसे वे पूरे दिन रंग और जुआ खेलकर व्यक्त करते हैं। होली खेलने के लिए वे खुली सड़क, पार्क और इमारतों के में पानी की बंदूकों यानी पिचकारी और गुब्बारे का इस्तेमाल करते हैं। कुछ संगीत वाद्य यंत्र गीत गाने और नृत्य करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वे अपना पूरा दिन रंग, गायन, नृत्य, स्वादिष्ट चीजें खाने पीने, एक दूसरे के गले मिलने, दोस्तों के घर पर मिलने और बहुत सारी गतिविधियों में व्यतीत करते हैं। होली कब मनाई जाती है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली महोत्सव फाल्गुन पूर्णिमा में मार्च या कभी कभी फरवरी के महीने में वार्षिक आधार पर मनाया जाता है। ये त्यौहार बुराई की सत्ता पर अच्छाई की विजय का भी संकेत है। ये एक ऐसा त्यौहार है जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, समस्याओं को भूल जाते हैं और एक दूसरे को माफ करके रिश्तों का पुनरुत्थान करते हैं। ये चंद्रमास फाल्गुन की पूर्णिमा के अंतिम दिन गर्मी के मौसम की शुरुआत और सर्दियों के मौसम के अंत में बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। ये बहुत सारी मस्ती और उल्लास की गतिविधियों का त्यौहार है जो लोगों को एक ही स्थान पर बांधता है। हर किसी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती है और अपनी खुशी को दिखाने के लिए वे नए कपड़े पहनते हैं। होली क्यों मनाई जाती है? हर साल होली के त्यौहार को मनाने के कई कारण हैं। ये रंग, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, एकता और प्रेम का भव्य उत्सव है। परंपरागत रूप से ये बुराई की सत्ता पर या बुराई पर अच्छाई की सफलता के रूप में मनाया जाता है। ये फगवाह के रूप में नामित किया गया है क्योंकि ये हिंदी महीने में फागुन में मनाया जाता है। होली शब्द होला शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है नई और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा। होली के त्यौहार पर होली का दहन इंगित करता है कि जो भगवान के प्रिय लोग हैं उन्हें पौराणिक चरित्र प्रहलाद की तरह बचा लिया जाएगा, जबकि जो भगवान के लोगों से तंग आ चुके हैं उन्हें एक दिन पौराणिक चरित्र होलिका की तरह दंडित किया जाएगा। होली का त्यौहार मनाने के पीछे कई ऐतिहासिक महत्व और किमिदितियां रही हैं। ये कई सालों से मनाया जाने वाला सबसे पुराने हिंदू त्यौहारों में से एक है। प्राचीन भारतीय मंदिरों की दीवारों पर होली उत्सव से संबंधित विभिन्न अवशेष पाए गए हैं। अहमदनगर चित्रों और मेवाड़ चित्रों में 16वीं सदी के मध्यकालीन चित्रों की मौजूद किस्में हैं जो प्राचीन समय के दौरान होली समारोह का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।